भाई को करोड़पति बना देगा ये रक्षाबंधन। बहन को करना होगा बस एक काम, भाई बहन के रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन इस बार दो दिन मनाया जाएगा। 30 और 31 अगस्त 2023 को राखी बनेगी, लेकिन 30 अगस्त 2023 को भद्रा का साया रहने के कारण इस दिन राखी बांधना शुभ नहीं है। बेहतर होगा कि 31 अगस्त की सुबह जल्दी राखी का पर्व मनाए। इस बार रक्षाबंधन के दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां विशेष रहने वाली हैं। इसके चलते इस रक्षाबंधन के दिन किए गए उपाय बहुत शुभ फल देंगे। इस रक्षाबंधन को बहने यदि ये उपाय करें तो भाई करोड़पति बन सकता है, उसका भविष्य उज्जवल होगा, वो दिनों दिन तरक्की करेगा। ये ज्योतिषीय उपाय भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करते हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। रक्षाबंधन के दिन करें ये उपाय। यदि भाई बहन के बीच कोई समस्या आ रही है तो रक्षाबंधन के दिन बहन पहले भगवान गणेश जी को राखी बांधे और फिर उसके बाद अपने भाई को राखी बांधे। इससे भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है, साथ ही भाई बहन दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। भाई की आर्थिक स्थिति में उन्नति के लिए रक्षाबंधन के दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए बहन एक गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, सुपारी और चांदी का सिक्का रखकर भाई को दे दे। इसके बाद भाई इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख ले। इस उपाय को करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर करने के उपाय। यदि भाई बहन को तरक्की में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो रक्षाबंधन के दिन पंचमेवा खीर का एक उपाय कर ले। इसके लिए पहले माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और फिर कन्याओं को पंचमेवा की खीर बांटे। ये उपाय करियर में आ रही बाधाएं दूर करेगा और धन वृद्धि होगी। यदि भाई बहन की तरक्की में बाधाएं आ रही तो रक्षाबंधन के दिन पंचमेवा खीर का उपाय करना चाहिए। इसके लिए पहले माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और फिर कन्याओं को पंचमेवा की खीर बांटे। ये उपाय करियर में आ रही बाधाओं को दूर करता है। धन लाभ के उपाय। आर्थिक लाभ पाने के लिए रक्षाबंधन का दिन खास होता है। इसके लिए भाई बहन एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए बहन ने गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, सुपारी और चांदी का एक सिक्का रखकर भाई को दे दे। भाई इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख ले। ये उपाय कभी धन की तंगी नहीं होने देगी। सुख शांति समृद्धि पाने के उपाय। रक्षाबंधन के दिन गरीबों को भोजन कराएं, गाय को हरी घास खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, जीवन में आनंद बढ़ता है। ऐसी राखी भूल कर भी ना बांधें। रक्षाबंधन के दिन राहु काल और भद्रा काल का खास ध्यान रखें, क्योंकि इस काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। राखी खरीदते या बांधते समय कुछ खास बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। जाने अनजाने बाजार में राखियां लाने में टूट जाती हैं और हम उसे वापस जोड़कर सही कर लेते हैं। अगर कोई राखी खंडित हो जाए तो उसका प्रयोग भाई की कलाई पर नहीं करना चाहिए। चीन से आने वाली प्लास्टिक की राखियों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक को केतु का पदार्थ माना जाता है और ये अपयश को बढ़ाता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन प्लास्टिक की राखियों से बचें। बाजार में कई तरह की डिजाइनर राखी आ रही जो भारतीय सभ्यता के हिसाब से सही नहीं बनाई जा रही, इनके प्रयोग से भी बचना चाहिए। राखी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई धारदार या कोई हथियार ना बना हो। कई राखियों में भगवान के चित्र बने होते हैं, इस तरह की राखियों को शुभ नहीं माना जाता। बहनों को इस तरह की राखी खरीदने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन पर अपनी बहन को घड़ी देने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वास्तु के अनुसार घड़ी उपहार में देना अशुभ माना जाता है। कहते हैं घड़ी से व्यक्ति का अच्छा बुरा समय जुड़ा होता है। अगर समय अच्छा चल रहा तो आपका समय आने वालों को मिल जाएगा, और अगर बुरा समय चल रहा है तो उनका बुरा समय आ जाएगा। हिंदू धर्म में जूते चप्पल उपहार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसे में रक्षाबंधन पर आप बहनों को तोहफे में सैंडल जूते ना दें। इस दिन उपहार में शीशा, फोटो फ्रेम, नुकीली या धारदार चीजें नहीं देना चाहिए, इससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। धर्म कथाएं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।